पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 468 हो गया। वहां बता दिए अहेयम अनुपाधेयम अनाधेयम अनाश्रयम् एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जो उसको जिसका हम लोग त्याग नहीं कर सकते, जिसको आप त्याग कर सकते उसे कहते हेय। संस्कृत भाषा में उसको हेय कहेंगे, जिसको हम त्याग सकते। जैसे दुर्गुणों का त्याग करते हैं, अन्य जो विरोधी वस्तुएं हैं उनको छोड़ते हैं, लेकिन आत्मा तो हमारा स्वरूप है, इसलिए अहेय। और ये स्वरूप होने से इसका ग्रहण भी नहीं कर सकते। अनुपादे, इसमें कोई आधान भी नहीं कर सकते किसी, कोई आधेय भी नहीं, कोई आश्रित भी नहीं है, और इसका भी कोई आश्रय नहीं। ऐसा जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है वही मैं हूँ। ते जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है ब्रह्म, उसको यहाँ बताया जा रहा है। देखिए प्रसंग चल रहा था कि ज्ञानी का वो प्रारब्ध को लेकर के, ज्ञानी का प्रारब्ध कैसे है। तो श्रुति में कहा गया है तस्य तावदेव चिरम यावत् न विमोक्षे अथा संपत्से। विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक कि शरीर पात नहीं हो जाता, प्रारब्ध कर्म जब तक है, इसके बाद ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो जो बात आई उसका समाधान दिए कि देहादि सत्यत्व बोध के लिए वो श्रुति नहीं आई है, बल्कि मंद लोगों को समाधान करने के लिए। क्योंकि श्रुति का जो अभिप्राय है परमार्थ मात्र को ही विषय करता है। इन सब चीज़ों के में तात्पर्य रूप से प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है, एक शंका समाधान के लिए मान करके बता दिए। तो जो परमार्थ है के गोचर है श्रुति का अभिप्राय, तो परमार्थ तत्व तो क्या है, इस बात को यहाँ पे 7 श्लोकों से बताया जा रहा था। तो मतलब 465 से शुरू कर दिए थे, 71 तक वो चलेगा। तो देखिए आगे अगला श्लोक 469। निर्गुणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनं एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। वह निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। गुण तो द्रव्य में होता है, जैसे घट है, घट द्रव्य है, उसमें रूप है, रस है, गंध है, तो द्रव्य में होता है। आत्मा कोई द्रव्य तो है नहीं, आत्मा कोई जड़ पदार्थ द्रव्य तो है नहीं, इसलिए इसमें कोई गुण नहीं है। और निष्कल है, कला यानी अवयव, जैसे हमारे शरीर में अवयव है, कला है, लेकिन आत्मा निष्कल है। ये बात अलग है कि कलाओं के द्वारा अभिव्यक्त होता है, प्राण आदि कलाओं के द्वारा आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए प्रश्नोपनिषद में कहा गया कि 16 कल पुरुष, 16 कलाओं वाला पुरुष। तो मतलब वो
वास्तव में कलाएं तो नहीं है, किंतु कलाओं को माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है। निष्प्रपंच को अध्यारोप और अपवाद के द्वारा बताया जाता है, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा लोगों की बुद्धि में बैठाया जाता है। तो यद्यपि कला तो नहीं है, किंतु प्राण आदि कलाओं के माध्यम से, वास्तव में कला नहीं किंतु इनके माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, जो कि अविद्या से कल्पित है। इनके माध्यम से ये मालूम पड़ता है कि कोई न कोई एक चेतन तत्व है जो इनका नियमन कर रहे हैं, इसलिए अधिक वास्तव में निष्कल है। और उपाधि को लेकर के वही षोड़श कल मालूम पड़ते हैं। सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, निर्विकल्पकम, कोई उसमें उनमें विकल्प नहीं। कोई जो है जैसे विकल्प हो जाता है कि रस्सी है कि सर्प है कि क्या है, आत्मा वास्तव में कोई विकल्प नहीं। वहाँ निरंजनम, कोई अंजन नहीं, माया आदि कुछ नहीं उसमें, आत्मा में। ऐसा जो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचन, उसमें कोई भेद नहीं है, उस आत्म तत्व में कोई भेद है ही नहीं। अगला श्लोक भी देख लीजिए। अनिरूप्य स्वरूपम यत् मनोवाचाम अगोचरम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन अनिरूप्य स्वरूपम यत्, जिसके स्वरूप का कोई निरूपण नहीं किया जा सकता। स्वरूप का निरूपण हो ही नहीं सकता, वाणी का वो विषय ही नहीं है। जैसे बता दिए शक्कर की मिठास कैसी है जरा बताओ, शक्कर की मिठास भी नहीं बता पाओगी। पीठ की दर्द किस प्रकार की है, किसी आदमी को पीठ में दर्द हो रहा है जरा कैसी है जरा इसका वर्णन कर दो, वो इतना कह सकता है बहुत तेज से दर्द है, और किस प्रकार की है ऐसा नहीं बता पाए। ये सब चीजें भी वाणी का विषय नहीं बनती, आत्मा तो कितना सूक्ष्म है। इसलिए मनोवाचाम अगोचर, मन और वाणी का विषय नहीं है, पूरा का पूरा संसार उसी में कल्पित है, तो भी वह मन वाणी का विषय नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग जो उसमें निष्ठ हो गए हैं, उनको संसार में कोई भी आश्चर्य नहीं मालूम पड़ता, बोला कुछ भी होता, मायायाम सर्वसंभव। इसलिए वो महाराज जी बता रहे थे अपने कैलाश पीठाधीश्वर जी महाराज, वो कहीं गुजरात में गए थे, तो वहाँ कोई कार्यक्रम होता है रात में, जो है वो हंसाने के लिए कोई कार्यक्रम वो लोग रखते हैं, तो जो है उसमें बड़े बड़े वो कलाकार आते हैं लोगों को हंसाने के लिए। तो ऐसे किसी कार्यक्रम में अथवा दिन में ही होगा, तो किसी कार्यक्रम में महाराज जी को बुलाए थे, तो आदमी जो है जो कलाकार आया बहुत लोगों को हंसा रहा था, तो लोगों ने कहा जरा इन महाराज जी को भी हंसा दो, ऐसी कोई कहानी बताओ कि इनको भी हंसी आ जाए, हिंदी में बोलो। तो गुजराती में बोल रहा तो हिंदी बोला ठीक है बताता हूँ। बोला कि एक बार जो है एक शिष्य कहीं जा रहा था आश्रम से, तो उनके गुरुजी ने उनको मना किया कि भाई मत जाओ, सायंकाल समय हो गई, मुहूर्त तो ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने मना किया, लेकिन वो आदमी मान रहे, वो शिष्य मान ही नहीं रहा है, तो फिर वो जाने लग गया। सायंकाल हो गई थी, पता नहीं कहीं से सियार की आवाज़ आई, सियार जोर जोर से बोल रहा है, तो सियार की आवाज़ सुन करके वो शिष्य वापस लौट आ गया, वापस आ गया अब सकुन मान करके। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है भाई, तुमने तो मैंने मना किया था कि तो भी चले गए थे, कैसे लौट आए। उसने बताया कि क्या करूं, रास्ते में सियार बोल रहा है। बोले देखो मेरी बात नहीं माना, सियार की बात तुमने मान ली, यानी मेरी बात तुमने नहीं माना, गुरु की बात तो नहीं माने, सियार की बात मान रहे हो। तो लोग तो बहुत हंसे,
लेकिन महाराज जी जो है कुछ हंसे ही नहीं। तो कलाकार भी बोला कि इनको तो मैं हंसाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे जो है अनिरूप्य स्वरूप, उसका कोई निरूपण नहीं हो सकता, पूरा संसार उसी में कल्पित है। इसलिए जो है क्या जो है संसार की बातें भी वो आश्चर्य नहीं कर पाती ज्ञानी महापुरुष को। मनोवाचाम अगोचरम, मन वाणी का वह विषय नहीं है तत्व। मन वाणी का विषय तो संसार ही है। ऐसा जो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीय स्वगत सजाति और विजाति भेद से रहे जो ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचना, उस ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। टीका में देख लीजिए, यत मनोवाचाम अगोचरम, जो मन और वाणी का विषय नहीं है, इसीलिए तत्तस्मात अनिरूप्य स्वरूपम, इसलिए अनिरूप्य स्वरूप वाला, उसके स्वरूप का निरूपण ज्ञानानुकूल व्यापार, दूसरे को बताने के लिए व्यापार ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है। फिर कैसे जाने, है कैसे जाने, केवला अनुभव एक वेद्यम, केवल अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य है। आनंद स्वरूप आत्मा अनुभव के द्वारा जानने योग्य है। इस बात को पूर्व में नहीं, आगे आगे बताएंगे, आगे आएगा दो से दो तीन पेज पे, पेज नंबर 250 पे, श्लोक नंबर 483 वो आएगा। वाचम वक्तुम अशक्यमेव मनसा मंतुम न वा शक्यते, स्वानंदामृत पूर पूरित पर ब्रह्मांबुधेर वैभवम। वहाँ बताएंगे वाचाम वाचा वक्तुम अशक्यमेव मनसा, वाणी के द्वारा उसको बोला ही नहीं जा सकता। मनसा मंतुम न वा शक्यते, मन के द्वारा अथवा मन के द्वारा मनन भी नहीं किया जा सकता, वो केवल अनुभव के द्वारा वेद्य है। स्व अनुभव जो साधना करके आवरण हटा लिए है, अज्ञान रूपी आवरण हट गया है, तो अनुभव के द्वारा ही वह संवेद्य है, अनुभव अनुभव वेद्य। तिथि वक्षते शिष्योक्ति मुखेन, शिष्य की वाणी के माध्यम से, शिष्य के कथन के माध्यम से बात बताई जाएगी। शिष्य जो अनुभव बताएंगे तो उस तरह से वहाँ भी ये बात बताएंगे कि वाणी के द्वारा मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता, अनुभव के द्वारा ही वेद्य है। आगे भी देखिए अगला श्लोक भी, सत्समृद्धं स्वतः सिद्धं, शुद्धं बुद्धमनीदृशम्, एकमेवाद्वयं ब्रह्म, नेहना नास्ति किंचन। सत्समृद्धं, सत यानी त्रिकाला बाध्य, सत्य है सत्य, त्रिकाला बाध्य तीनों कालों में रहने वाले, और समृद्ध है, व्यापक है, अखंडानंद रूप है। स्वतः सिद्धम, स्वतः ही सिद्ध है, किसी के अन्य अन्य प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं, अथवा किसी अन्य हेतु से सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः उनकी सत्ता है। जैसे अग्नि, अग्नि में जो है उष्णता कैसे, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, ऐसे आत्मा स्वतः स्वतः जो है सिद्ध है। वहां तो मान लिया चलो उसका अज्ञान आदि कारण है, किंतु आत्मा का कोई कारण नहीं, इसलिए स्वतः सिद्ध। शुद्धम, शुद्ध है, कोई दोष से रहित है, पानी में कुछ पड़ जाए तो मलिन हो जाता है, जल में कुछ न पड़ा हो तो अशुद्ध कहते हैं। आत्मा तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, कोई मलिनता जो है नहीं, और आगंतुक भी कोई मलिनता नहीं है, इसलिए शुद्ध। बुद्धम यानी ज्ञान स्वरूप है, बुद्ध ज्ञान स्वरूप। अनिदृशम, उसकी कोई उपमा नहीं, दृश्य ऐसा है, ऐसी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा एकमेवा द्वयम् ब्रह्म, एकमेवा द्वितीय जो ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचन, उस ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी नानात्व तो नहीं है, कोई भी भेद का अवसर नहीं है। इस तरह से ये हो गया। देखिए टीका में, सत अबाध्यम,
जो सत है, त्रिकाला बाध्य है, तीनों कालों में रहने वाले। समृद्धम यानी अखंडानंद रूपम, अखंडानंद स्वरूप है, समृद्ध है, बढ़े चढ़े है। इसके बाद ज्यादा रिद्धि हो, समृद्धि हो, बोले देखो ये बड़ा समृद्ध है। अब आत्मा से बड़ा समृद्ध कौन? रिद्धि का फल क्या है? आनंद। ये तो आनंद स्वरूप है, वैसे एक सुख देगा, ये तो आनंद स्वरूप है। सभी वैसे एक सुख इसमें जो है इसकी एक बूंद के मात्र है, बूंद के बराबर भी नहीं, इसलिए अखंडानंद रूपम। स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्धम बता रहे हैं, यानी सर्व प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्वात्, सभी प्रमाणों की प्रवृत्ति के हेतु है आत्मा, सभी प्रमाण उसी की सत्ता स्फूर्ति से ही स्फुरित हो रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि अन्य प्रमाणों के बल पे सिद्ध नहीं, प्रमाण भी उसी की सत्ता से सत्तावान है, उसी की सत्ता से प्रमाण भी विषय का ज्ञान करा रहे। इसलिए केनोपनिषद में श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यत, वो जो आ गया श्रोत्र का भी श्रोत्र, मन का भी मन। तो बस यही बात यहाँ भी दिखा रहे, स्वतः सिद्धम यानी सर्व प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्व, सभी प्रमाणों की प्रवृत्ति के हेतु होने से स्वतः सिद्ध है। शुद्धम यानी दोषास्पृष्टम, दोष का कोई संस्पर्क नहीं है, संपर्क नहीं है। बुद्धम यानी ज्ञान रूपम, ज्ञान से। अनिदृशम यानी इदम इव दृश्यते इति ईदृशम, ऐसा जो दिखता है उसे कहेंगे ईदृशम। तो उपमा दी जाती है, वो देखो वो ऐसा है। देवदत्त कैसा है? बोले वो राम की तरह वो लंबा है और श्याम की तरह जो है गौर वर्ण का है। उपमा दे करके बताएंगे, लेकिन इस ब्रह्म की कोई उपमा नहीं। तो निरूपमम, अनिदृशम का अर्थ हो गया न ईदृशम, अनिदृशम यानी निरूपमम, उपमा से रहित, कोई सादृश्य दे ही नहीं सकते। बुद्धौ धारया सूक्ष्मतमार्थम ग्राहयितुम एवं श्रोतार्थस्य कथनीयत्वात्, ईदृश स्थलेषु पौनरुक्त शंका नैव कार्य। बोले यहाँ तो बारम्बार आप बता रहे हो कि एकमेव द्वयम् ब्रह्मणि नानास्ति किंचन, और भी कई विशेषण है, कई बार आपने बोल दिया। जैसे पीछे आ गया था कि निरंजनम, और यहाँ शुद्धम कह रहे हो, एक ही तो बात है, शुद्धम कह दिए और निरंजनम एक ही कह दी, और वो सत्य है सब जो आया, और भी बहुत चीजें देखा। सत घनम चित घनम पहले कह चुके हो, यहाँ भी सत समृद्धम कह रहे हो, तो बारंबार क्यों कह रहे? पुनरुक्ति दोष हो रही। तो बोले नहीं, बुद्धौ धारया सूक्ष्मतमार्थम ग्राहयितु, बुद्धि में धारावाहिक रूप से, प्रवाह रूप से इस सूक्ष्मतम, अत्यंत जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, इससे बढ़कर के सूक्ष्म कोई नहीं। तो धारावाहिक रूप से, प्रवाह रूप से इस सूक्ष्मतम अर्थ का ग्रहण कराने के लिए ही इस प्रकार से श्रोतार्थ से कथनीयत्वात्, श्रुति में जो कहा गया अर्थ है नेह नानस्ति किंचन एकमेव द्वितीयम् इत्यादि जो और भी आए हैं, तो श्रोत अर्थ इसीलिए कहा जा रहा है कि बुद्धि में धारावाहिक रूप से ग्रहण हो। इसलिए ईदृश स्थलेस्तु पौनरुक्त्या शंका नैव कार्या, इस प्रकार के स्थलों में पुनरुक्ति की शंका की बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ को बताने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, अधिक प्रयत्न की अपेक्षा होती है। इसलिए यहाँ पुनरुक्ति आदि दोष ऐसी जगह पे नहीं मानना चाहिए। तो ये बता दी। अब आगे ये बता रहे कि इस आत्मा को जान करके बहुत से लोग मुक्त हुए, इसलिए हे शिष्य तुम भी प्रयत्न करो। आचार्य जो है शिष्य को प्रेरणा दे रहे कि बहुत से लोग मुक्त हुए हैं तो तुम्हें भी प्रयत्न करो, प्रयत्न करना है। इसको दिखाएंगे, देखिए श्लोक नंबर 472। निरस्त राग निरपास्त भोगा, शांता सुदांता यतयो महात्मनः,
विज्ञाय तत्त्वं परमे तदन्ते। प्राप्ता परां निर्वृत्तिमात्मयोगात् निरस्त रागा निरपास्त भोगा। जिन महापुरुषों ने संपूर्ण रागों का निराश कर दिया है, यानी जिनके अंदर कोई भी विषय की इच्छा नहीं है, विषय की इच्छा से जो सर्वथा विनिर्मुक्त है, और निरपास्त भोगा, पूरी तरह से भोगों को त्याग दिया है। भोग जो है पूरी तरह से जिन्होंने त्याग दिया। शांता, ऐसे जो शांत है, जिनका अंतःकरण निगृहित है। सुदांता, सुदांता करते नहीं समझना कि अच्छे दांत वाले हैं। सुदांत मतलब जिसने दमन, बाह्य इंद्रियों को पूरी तरह से दमन कर लिया, अपने अधीन कर लिया, निग्रह कर लेना, बाह्य इंद्रियों में भी मनमानी जो है प्रवृत्ति न हो, अंतःकरण में भी मनमानी प्रवृत्ति न हो, हमारे इच्छा अनुसार हम जैसा चाहे वैसा लगा दे, जहां से चाहे वहां से हटा ले। तो ऐसी जिनकी अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय है, ऐसे यतयो महांता, जो यत्न करने वाले साधक है, महांत, महान पुरुष लोग है, महांत, ऐसे महान पुरुष लोग, ऐसे साधक लोग विज्ञाय तत्त्वम परमे तदंते, इस तत्व को जान, इस परम तत्व को जान करके, अंते अंते मतलब शरीर आदि का प्रारब्ध समाप्त होने पर, ज्ञान अथवा ज्ञान प्राप्ति के अनंतर, दोनों अर्थ करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के अनंतर अथवा प्रारब्ध, शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर, पराम निर्वृत्ति, जो परा निर्वृत्ति है, विदेह कैवल्य, मुक्ति रूपी सुख, निर्वृत्ति का अर्थ होता है सुख, सबसे बड़ा जो सुख है विदेह कैवल्य मुक्ति, उसको आत्मयोगात, आत्मा के योग से, आत्मा के योग से निर्विकल्पक समाधि लगा करके, आत्मा में निर्विकल्पक समाधि उनकी लग गई, उस समाधि के बल से वो, अच्छा, तो प्राप्ता परम निर्वृत्तिम आत्मयोगात, आत्मयोग से यानी आत्मा में निर्विकल्पक समाधि के द्वारा वे लोग परानिर्वृत्ति, परम सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसे महापुरुष लोग। बहुत से लोग वामदेव ऋषि मुक्त हुए, सुखदेव जी मुक्त हुए, बहुत से महापुरुष मुक्त हुए आत्मा को जान करके। टीका में देख लीजिए, निरस्त रागा यश ते निरस्त रागा, जिनके अंतःकरण से राग पूरी तरह से हट गया है, जो निरस्त राग वाले हो गए, मतलब दूरीकृत विषय इच्छा, जिनकी विषय इच्छा पूरी तरह से हट गई है, तो निरपास्त भोगा, अब विषय की इच्छा ही नहीं, तो फिर भोग त्यागी हो गया। जब तक विषय की इच्छा है, व्यक्ति भोग में जो है चाहता है, इच्छा ही मिट गई तो निरपास्त भोगा, अतएव निरपास्त भोगा यस्ते नितराम त्यक्त भोगा, जिन्होंने पूरी तरह से भोगों को छोड़ दिया, यानी पूरी नितराम, पूरी तरह से, अच्छी तरह से त्यक्त भोगा, जिन्होंने भोग छोड़ दिया, मतलब क्या है, यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे यदृच्छा स्वाभाविक रूप से जो लोग मिल जाए, वही उसी लाभ से संतुष्ट हो जाए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, गीता में आ गया है, स्वाभाविक रूप से जो मिल गया अपने आप उसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये मतलब तात्पर्य अर्थ हो गया इसका, निरपास्त भोगा का। राग सत्वे ही भोगः, राग अगर हो तभी भोग होता है, राग ही मिट गया तो भोग कहाँ से होगा। उक्तम ही पूर्व में कहा भी गया है, श्लोक नंबर 426 में आ चुका है, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत बालवत, जैसे निद्रालु पुरुष है, सो रहा है, एकदम गहरी निद्रा में जा रहा है, तो दूसरा कोई खिला दे तो बात अलग है, नहीं तो छोड़ छोड़ के भी सो जाता है, छोटा बच्चा जो है दूध पिलाते पिलाते सो जाता है, तो वो माता जो है उसको पिलाती है और उठा करके, तब
तन्यावेदित भोग्य भोग कलन। तो इस प्रकार से अन्य के द्वारा आवेदित प्राप्त कराया गया भोग्य भोग कलना वाला है वो ज्ञानी पुरुष, अन्य के द्वारा भोग उसे प्रदान किया जा रहा है ऐसे वो ज्ञानी पुरुष है। तो ये भोग की प्राप्ति उन्हें हो रही है। इति यद्वा अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णव इति तत्पदस्य अर्थ। निरपास्त भोग भोग से रहित हो गए मतलब शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सह लेने वाले हैं, ठंडी गर्मी ये सब होती रहती है इन सभी को सह लेते हैं। कोई कोई तो बहुत जो है शिकायत करेंगे लेकिन ये बिल्कुल नहीं सह लेते हैं। तो शांत है मतलब शांता ब्रह्मणि स्थापित मनसः, ब्रह्म में जिनका मन पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कहीं भी जो है हलचल नहीं कर रहा है बाहर नहीं जा रहा है। सुदांता यानी निगृहित बहिरिंद्रिया, जिनकी बाह्य इंद्रिया पूरी तरह से निगृहित हो चुकी है अधीन है। यतया ऐसे जो प्रयत्नशील साधक है, महानता महान है, महान पुरुष लोग है। बहिरिंद्री द्वारा निर्गतस्य मनस परिच्छिन्न विषयाकारेण परिणामे तदुपहित जीवोपि अल्पो भवति। देखो जीव में अल्पता कैसे आती है, साधारण व्यक्ति को महान क्यों नहीं कहेंगे, इनको ही महान क्यों कहेंगे? क्योंकि बहिरिंद्री के द्वारा जब बाहर मन निकला, जैसे चक्षु के माध्यम से मन विषय किसी रूप सुंदर रूप को देखने के लिए बाहर निकला, तो परिच्छिन्न विषयाकारेण परिणामे, विषय तो परिच्छिन्न है, उस परिच्छिन्न विषयाकार से चित्त का परिणाम होने पर, मन का परिणाम होने पर तदुपहित जीवो भी अल्प भवत, उस विषयाकार वृत्ति से उपहित जो जीव वह भी अल्प हो गया। अपरिच्छिन्नता को छोड़ करके परिचितन परिच्छिन्नता में अभिमान कर लिया। लेकिन न शांतानाम दांतानाम च तथात्वम, तो किंतु जो शांत पुरुष है दांत पुरुष है वह विषयों में उनका मन नहीं जाता, इसलिए विषयाकार परिणाम को लेकर के अल्पता उनमें नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है। निरंतरम अंतर्मुख मनसाम महत्वम सहजमेव, जिनका जो निरंतर अंतर्मुख है सदा जो है आत्मा में ही रमण कर रहे करने वाले ऐसे लोगों के लिए जो महत्व है व्यापकता विशालता परिच्छिन्नता नहीं है, वो सहज ही स्वाभाविक रूप से, भाई अल्पता तो औपाधिक रूप से आई, विशालता जो है वो स्वाभाविक रूप से। तादृशा पुरुष धौरेया, ऐसे जो पुरुष में धौरे यानी श्रेष्ठ, पुरुषों में जो श्रेष्ठ लोग है ऐसे, एतत् इसी तत्व को जान करके परिपूर्ण मनाद्यनंतम इत्यादि ना संकीर्तितम, क्योंकि सात श्लोकों में बता दिए, 465 से लेकर के 71 तक बता दिए। तो परिपूर्ण जो अनाद्य अनंत उस तत्व को इत्यादि ना संकीर्तितम परम तत्वम, इत्यादि के द्वारा कहा गया जो परम तत्व है सर्वोत्कृष्टम ब्रह्म, जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म है उसको जान करके विज्ञाय आत्मनि आत्मयोग के द्वारा, आत्मयोग क्या है, आत्मनि योग आत्मयोग, आत्मा में जो योग है यानी निर्विकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि। तस्माद हेतो पराम निर्वृतिम, निर्वृति वह के ऊपर रह छूट गया है, पराम निर्वृतिम, परा जो निर्वृति है सबसे बड़ा सुख, नित्य निरतिशय आनंद रूपा मुक्ति, जो नित्य निरतिशय आनंद रूपा मुक्ति है उसको अंत में प्राप्त करके मतलब ज्ञान प्राप्ति के अनंतर उन्होंने प्राप्त कर लिए, अवापुहु अवाप्ति कर लिए, प्राप्ति कर लिए। अंते प्रारब्ध कर्मणो वा अंते, अथवा अंते का अर्थ कर लीजिए प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर, देह पाते, देहपात होने पर विदेह मुक्ति हो जाती है, उसके पहले जीवन मुक्ति रहती है। तो परानिर्वृत्ति से विदेह मुक्ति को लेना हो तो प्रारब्ध कर्म की समाप्ति के अनंतर, इति यावत्। तो पराम निर्वृतिम विदेह कैवल्यम प्राप्ता, ऐसे महापुरुष लोग विदेह कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तदा आत्मयोगात विज्ञाय इति संबंध, आत्मयोग से आत्मरूप हो गए, यही आत्मयोग है, आत्मरूपता का अनुभव कर ली, यही आत्मयोग है, इससे जान करके वो विदेह कैवल्य की प्राप्ति कर ली। इस तरह से पूरा हुआ, आगे
माँ भैष्ट विद्वंस तव नास्त्य अपाय संसार सिंधोस तरणेस्त उपाय इनैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। देखिए ये बात आई थी, शिष्य जो है बहुत घबराया हुआ गुरु के पास आए थे, वो जो है बहुत प्रार्थना की कि दुर्वार संसार दोधूय मानम, है ना, ऐसी प्रार्थना की कि संसार बड़ा दुर्वार है, उसको मैं बड़ा उससे संतप्त हूँ। श्लोक नंबर 38 आया था, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुरदृष्टवात ही भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यद यहदहं न जाने। हे भगवान, हे प्रभो, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, ये संसार जिसका वारण करना बड़ा कठिन है। संसार में देखो अनाथ कितने जीव घूम रहे हैं, मनुष्य देख लीजिए कितने हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती गिनती नहीं कर पाओगे। मनुष्यों की जनगणना होती है, मच्छरों की और की खटमलों की जनगणना कभी नहीं हुई, उनका भी जो है जनगणना करा के देखो, कभी नहीं हो ही नहीं पाएगी। तो अनादि काल से जी जीव है, इसका स्वारण करना बड़ा संसार दुर्वार है। ऐसे जो दवाग्नि है, दावानल, संसार रूपी जो अनल है, जंगल की अग्नि, काम क्रोध ही यहाँ बहुत बड़ी अग्नि है, उससे दोधुए मानम, बहुत मेरा चित्त विक्षिप्त हो गया है, बहुत परेशान हूँ। और दूरदृष्ट बात है, और ऐसी वायु चल रही है, कौन सा दुर्भाग्य रूपी वायु, उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। इसलिए साधारण कोई व्यक्ति ऐसे कर संसार से विरक्त हो करके कहीं जाता भी है तो सही जगह नहीं पहुंच पाता, ये कितना दुर्भाग्य है। अब दूसरे की गलती नहीं है, उसी का प्रारब्ध है, मनुष्य पूर्व जन्म में जैसा प्रारब्ध आदि पुण्य पाप करके आया है, उसी के अनुसार इस जन्म में भी उसे साधन सामग्री मिलती है, गुरु आदि भी उसी प्रकार के मिलेंगे। तो दुर्भाग्य रूपी वायु से मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए आपकी शरणागति को प्राप्त किया हूँ, इस मृत्यु रूपी व्याघ्र से मेरी रक्षा करिए, क्योंकि दूसरा कोई शरण मैं देख नहीं रहा हूँ। और फिर भी पूछा था, करत कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, और भी जो है अपना प्रश्न आदि, जो 7 प्रश्न आया था, जो मुख्य किए थे 7 प्रश्न श्लोक नंबर 51 में, तो वहाँ पे जो बताए थे, तो फिर वहाँ पे गुरु जी ने उनके मन को थोड़ा सा ढाढ़स बधाया। माँ भैष्ट विद्वंस श्लोक नंबर 45 में आया था, यहाँ जो दे रहे हैं कि माँ भैष्ट विद्वन, पेज नंबर 31, माँ भैष्ट विद्वन तवनास्त्य पाय संसार सिंधोस तरणेस्त्युपाय इनैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। बोले हे विद्वन, हे विवेकी शिष्य, डरो मत, संसार सिंधु को पार करने का उपाय है, जिन मार्ग से बड़े बड़े यतियों ने पार किया है उसी मार्ग को मैं तुम्हें बताऊंगा। बस वही बात देखिए यहाँ बता रहे, श्लोक नंबर 45 वाली बात यहाँ उठा रहे। माँ भैष्ट विद्वंस तव नास्त्यपाय संसार सिंधोस तरणेस्त्युपाय येनैव याता यतयोस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि इति यदुक्तम्। ऐसा जो श्लोक नंबर 45 में बताए थे तत्समापयति, अब उसका यहाँ पे समापन कर रहे हैं कि भाई तुम भी, क्योंकि बताया था कि यति लोग जिस मार्ग से उसको पार किए, जो अत्यंत प्रयत्नशील साधक लोग जिस प्रकार से उस तत्व को जान करके मुक्त हुए, वही मार्ग तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम भी ऐसे ही बनो, तुम भी जो है बहुत तत्पर होकर के लग जाओ, काम चलाओ, सरकार जो है यहाँ नहीं चलना चलाना, तत्पर होकर के लग जाओ, तब तुम जो है मुक्त हो जाओगे। श्लोक नंबर 473 देखिए, 473। भवान अपीदं परतत्वमात्मनः स्वरूपमानंद घनं निचाय्य। व
विधूय मोहं समन प्रकल्पितं। मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। भवान अपि इदम्। तो जैसे बड़े बड़े यति लोगों ने पार किया, ऐसे तुम भी इदम् परमात्म तत्त्वम् आत्मनः, परतत्त्वम् आत्मनः। ये जो आत्मा का परतत्व है, वास्तविक स्वरूप है, स्वरूपम, ऐसा जो स्वरूप है, कैसा स्वरूप? आनंद घनम, आनंद घन जो है, केवल आनंद ही आनंद रूप है। उसको निचाय्य श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा उसको साक्षात्कार करके तो क्या कर लेना? विधूय मोहम, जो मोह अनादिकालीन है, अनात्मा में आत्मत्व भ्रांति रूपी जो मोह, स्वमन प्रकल्पितम, और उसकी जड़ अज्ञान, मूला ज्ञान, तो स्वमन से एक प्रकल्पित मोह और उसका जो मूल है मूला ज्ञान, इन दोनों को विधूय पूरी तरह से विनष्ट करके, धूई कंपने धातु, उसको नष्ट करके, मुक्त कृतार्थ हो भवतु प्रबुद्ध, मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, प्रबुद्ध हो जाओ। हाँ, प्रबुद्ध मतलब जाग, अज्ञान रूपी निद्रा से जग जाओ, प्रबोध। सोया हुआ व्यक्ति किसी ने उठा दिया, बोलते प्रबोध हो करा दिया, प्रबुद्ध हो जाओ, अज्ञान रूपी निद्रा से जाग जाओ, है ना? यही ऐसे ही बनो, और दूसरा कुछ नहीं। अब नहीं तो फिर ये नहीं कि थोड़ा सा श्रवण करके फिर जो है कर्तव्यता बुद्धि करो, तो फिर उससे पार नहीं जा पाओगे। टीका में, भवान अपि आत्मनः, यानी भवता स्वरूपम, आत्मा यानी तुम ही हो, आप ही हो, ऐसा नहीं कि आत्मा अलग है तुम अलग है। तो जो तुम्हारा आपका जो स्वरूप है क्या है? आनंद घनम, आनंद घन है। ऐसे इदम परतत्त्वम ब्रह्म निचाय, ऐसा जो परतत्व है, वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, उसको निचाय यानी साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके, स्वमन प्रकल्पितम मोन मोहम, अपने मन के द्वारा प्रकल्पित जो मोह है, क्या मोह है? अनात्मसु आत्म भ्रमम, अनात्म पदार्थों में जो आत्म भ्रम है उसको विधूय यानी समूलं विनाश्य, मूल के सहित उसको विनष्ट करके, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध हो जाओ, अविद्या निद्रा रहित, अज्ञान रूपी निद्रा को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे दो, वहां से हमेशा के लिए जग जाओ, मुक्त, मुक्त हो जाओ, मतलब अध्यास रूप बंधात मुक्त, अध्यास रूपी बंधन से मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो भवत। और ऐसा करके तुम क्या हो जाओगे? कृतार्थ, कृत कृत्य, अब कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। भगवत इति आसी रूपोपदेश, ये जो गुरु के उपदेश है, आशीर्वाद रूपी उपदेश है, ऐसा तुम हो जाओ, ये प्रार्थना आशीर्वाद, आशीर्वाद रूपी उपदेश, ऐसा आशीर्वाद दे रहे, उपदेश के साथ साथ आशीर्वाद रूपी उपदेश है। फिर कहे कि नहीं, कोई दूसरा मार्ग बता दो कि समाधि के बिना भी जीवन मुक्ति हो जाए, समाधि तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है। यहाँ बता रहे कि नहीं, समाधि के बिना जीवन मुक्ति दुर्लभ है भाई, बिना निर्विकल्पक समाधि में पहुंचे जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे। जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो समाधि तो चाहिए, इसलिए श्लोक नंबर देखे 474 में यही दिखा रहे, समाधि ना साधुन सुनिश्चल आत्मना, पश्चात्म तत्त्वं स्फुट बोध चक्षुषा। निःसंशयं सम्यग् अवेक्षितश्चेत् श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्पते। देखिए, समाधि ना साधु सुनिश्चल आत्मना, बहुत जो है जिसके अंदर, जिस समाधि के अंतर्गत जो आत्मा यानी अंतःकरण सुनिश्चल हो गया है ना, सुनिश्चल, अच्छी तरह से निश्चल हो गया अंतःकरण, जिस समाधि में
ऐसी निर्विकल्पक समाधि के द्वारा साधु अच्छी जो सुंदर निर्विकल्पक समाधि लगी उसके द्वारा आत्मतत्त्वम पश्य, उस समाधि से जन्य स्फुट बोध चक्षुषा, स्पष्ट जो ज्ञान रूपी नेत्र है उसके द्वारा आत्मतत्व का अनुभव करो। इस तरह से ऐसे चल करके निसंशयम सम्यक अवेक्षितस्य, संशय से रहित अगर तुमने ठीक ढंग से आत्मतत्व को जान लिया, अपरोक्ष अनुभव कर लिया, तो श्रुत पदार्थो न पुनर्विकल्पते, जो श्रुत पदार्थ है जिसको तो आपने अनुभव कर लिया वह दोबारा विकल्पित नहीं होगा, दोबारा कभी जो है विपर्यस्त विपरीत ज्ञान दोबारा अनात्मा में आत्मभ्रांति हो ही नहीं सकती। ये वस्तु का स्वरूप स्वभाव ऐसा है, जैसे रस्सी का ये स्वभाव है कि अगर उसको जान लोगे तो दोबारा सर्प का विकल्प नहीं होगा। मरुभूमि का भी स्वभाव है कि अगर अच्छी तरह से जान लिए कि मरुभूमि है तो दिखने पर भी आपको कोई विकल्प होगा ही नहीं, तो बस ऐसे ही विकल्प से रहित हो जाओ। टीका में देखिए, सुष्ठु ठू टू नहीं ठू, सुष्ठु निश्चला आत्मा अंतःकरणं यस्मिन, जिस समाधि में हमारा अंतःकरण बहुत निश्चल हो गया है, तेन समाधि न, ऐसी समाधि कौन सी समाधि, निर्विकल्पक समाधि, जिसमें जो है जिसका विचार करते करते तद्रूपता का अनुभव हो रहा है, कोई ये विकल्प नहीं कि मैं जो है विचार कर रहा हूँ ब्रह्म का अलग हूँ वो अलग है, ऐसा नहीं, तद्रूपता का अनुभव कर लिया, वही निर्विकल्पक समाधि। उसके द्वारा स्फुटम यद बोध रूपं चक्षु, उस समाधि के द्वारा जन्य जो स्पष्ट ज्ञान रूपी चक्षु है, ज्ञान रूपी एक नेत्र, हाँ, तो वो जो है उसके द्वारा आत्मतत्व को जानो। तो बोल रहे भाई ज्ञान क्या है निर्विकल्प, तो इसको देखिए श्लोक पूर्व में आ चुका, निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्त्वम अवगम्यते ध्रुवम, नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्ययांतर विमिश्रितम भवेत इति उक्तम। निर्विकल्पक समाधि के द्वारा स्पष्ट रूप से ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है ध्रुवम, निश्चित रूप से, अन्य प्रकार से नहीं, क्योंकि मनोगते है चलतया, मन की जो गति है स्वभाव है चलायमान है, इसलिए प्रत्ययांतर विमिश्रितम भवेत, अन्य प्रत्ययों से वह मिश्रित हो जाता है, इसलिए निर्विकल्पक समाधि आवश्यक इति उक्तम, इस बात को पूर्व में कहा जा चुका है। तो तेन बोध चक्षुषा, उस ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा क्या देखोगे, आत्मवैभव का दर्शन करोगे। नेत्र कई प्रकार के, बाह्य नेत्र से आप रूप देखोगे, यथा बाह्य चक्षुषा रूपम यथा बाह्य चक्षुषा, जैसे बाह्य नेत्र से क्या दिखता है, रूप दिखता है, संसार के पदार्थ दिखते हैं, इसी प्रकार ज्ञान रूपी नेत्र से तथा साधु ज्ञान, इसी प्रकार ज्ञान नेत्र से साधु यानी अच्छी तरह से असंदिग्धा विपर्यासम, जिसमें कोई संदेह नहीं, जिसमें कोई विपरीत ज्ञान नहीं, इस प्रकार से आत्मतत्व को जान लो। आत्मतत्वम पश्य यानी साक्षात गुरु, संदेह से रहित विपर्यास से रहित आत्मतत्व का साक्षात्कार करो, और शुद्ध पदार्थ इस तरह से दोबारा विकल्पित नहीं होगा। शुद्ध यानी आप्त मुखे न शुद्ध पदार्थ, शुद्ध जो पदार्थ है निस्संशयम, ये तो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण संशय से रहित अगर जान लिए तो फिर दोबारा विकल्पित नहीं होता, क्रिया भी संशया विषय सन सम्यग विपर्यस्ता वीक्षितश्चित, संशय से रहित होकर के अच्छी प्रकार से अगर विचार कर लिया गया वह श्रुत पदार्थ यानी अनुभव गोचारताम आपादितश्चित, अनुभव की विषयता को प्राप्त करा दिया गया, अनुभव में उतार लिया गया यदि, तो पुनर्न विकल्पते, दोबारा विकल्पित नहीं होता, अन्यथा नहीं हो जाता। पहले तो क्या था कि थोड़ा बहुत साधना करने से मन थोड़े समय के लिए समाहित लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम ज्ञानी के पिताजी हैं, लेकिन जरा सा कुछ मुश्किल हालात आया सब समाधि गायब हो जाती थी,
तो परोक्ष ज्ञान से ऐसा भले लग रहा हो, लेकिन जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो दोबारा विकल्पित नहीं होगा। ये बात यहाँ बता दिए। इसलिए समाधि के बिना जीवन मुक्ति बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करिए, बता दिया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।